नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ ना बहुत ही आसानी से बनने वाली चिकन की रेसिपी, जिसे आप कोई पहली बार में भी बनाए ना तो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसानी से बन जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावन चल रहा था, अभी बहुत लोग सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं और जो नहीं खाते उन्हें सावन ख़त्म होने का इंतज़ार रहता है। तो मैंने भी आज यहाँ पर मेरे बेटे को बहुत पसंद है इसलिए चिकन बनाया और उसे इस टाइप से ना फ्राई करके सॉस के साथ ना बहुत पसंद आता है। और हम ना ग्रेवी वाली चिकन बनाएंगे और वो भी बिना तामझाम के, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया, चिकन को पहले से अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया, उसमें हल्दी नमक डाल दिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा ये लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट है, और उसके 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर हो तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे 2 चम्मच मैदा भी आप डाल सकते हैं। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची हमने यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने ना अदरक लहसुन मिर्ची एक साथ पीस लिया था। और यहाँ सबको मिला लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ना यहाँ पे हम सरसों तेल डालेंगे। इस चिकन को सरसों तेल में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और तेल से जब इस टाइप का धुआं निकलने लगे ना, अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए, तो इसमें आप डाल दें चिकन। पहले मैं यह लेग पीस फ्राई कर रही हूँ जो मेरे बेटे को सॉस के साथ खाना है। डालते समय ना गैस का फ्लेम लो कर दें। यहाँ पर तेल इस समय काफ़ी गर्म होता है ना, इससे ना आप हाथ भी जल सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे डालें। और हमने यहाँ पे डाल दिया सारे लेग पीस को। उसके बाद इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। और इस समय आप चाहें तो इसे ढक दें, जिससे तेल के छींटे आपके ऊपर नहीं आएंगे। और इसे हमें ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसी टाइप से हमें फ्राई करना है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। और आप चाहे ना तो इसी समय आप इसे खा भी सकते हैं सॉस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने यहाँ पे सारे पीसेस को ना प्लेट में निकाल लिया है। देख रहे कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही अच्छा लग रहा है। और जो बचा हुआ चिकन है उसे भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी हम डाल देते हैं इस तेल में। डालते समय हमेशा ना गैस का फ्लेम आप लो कर दें, जिससे तेल के छींटे नहीं आएंगे। और उसके बाद तेज करके इसे फ्राई कर लें। तो हमने यहाँ पे सारे चिकन को लटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया और इसे हम निकाल लेंगे। अब और यहाँ पे तेल अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा इसे गैस का फ्लेम कम कर देते हैं, ठंडा हो जाए। तो इसमें डालेंगे 2-3 तेज़पत्ता और 1 चम्मच के करीब में जीरा। और जीरा के चटकते ही इसमें हम डालेंगे ना प्याज। तो प्याज को हमने पहले से ही अच्छे से साफ करके कट कर लिया था, तो सारे प्याज को इसमें हम डाल देंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्याज आप अपने अनुसार ही डालें जितना ग्रेवी आपको बनाना है। कम ग्रेवी बनानी है तो आप कम प्याज भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से ना प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते थे। यहाँ पे हमने इतना लहसुन लिया है, मिर्ची लिया है, अदरक लिया है, यहाँ बड़ी इलायची एक, छोटी इलायची 2-3 है, लौंग है 3-4, दालचीनी है और ये जीरा है। इन सब का ना हम पेस्ट बना लेंगे और मसाले हम बाद में डालेंगे। दोस्तों, ये पीसे हुए मसाले डालने से ना चिकन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम ना पेस्ट बना तैयार कर लेंगे। और प्याज को भी बीच में हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 2-3 मिनट हो गया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा सा इसे और हम पकाएंगे। तो इसे फिर से हम ढक देंगे और 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और 2-3 मिनट बाद देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, इसके बाद ना इसे मसाला के साथ पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो मसाला अभी तैयार किया था ना उसे डाल देंगे।
और उसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ये मीट मसाला है 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा एक गरम मसाला, और 1 चम्मच सॉस डालेंगे जो सारे मसाले को बैलेंस करेगा। उसके बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे प्याज में। दोस्तों आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा, मसाला बहुत ही टेस्टी चिकन बनकर तैयार होता है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा मसाला नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पे सिर्फ मीट मसाला और काली मिर्च का पाउडर और कश्मीरी मिर्च डाल के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी चिकन तैयार होता है। और यहाँ पे हमने ना मसाला को 10 मिनट के करीब में अच्छे से भूना है लो फ्लेम पे, और उसके बाद इस चिकन को इसमें डाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमने सारे चिकन को डाल दिया है और इसे मसाला के साथ अच्छे से मिला लेते हैं पहले। उसके बाद इसमें ना हम गर्म पानी डालेंगे, आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गर्म डाल रही हूँ जिससे ये जल्दी पकेगा। और पानी डालकर इसे अच्छे से हम मिला देंगे। इसमें और भी पानी हम ऐड करेंगे, जितना आपको ग्रेवी बनाना ना उसके हिसाब से आप पानी यहाँ पे डालें, क्योंकि 10 मिनट की चिकन इसमें पकाना भी तो है ग्रेवी में। तो हम इसे यहाँ पे ढक देते हैं, ढक कर इसे ना 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख कर। ग्रेवी आप अपने हिसाब से देखिए, आपको अगर चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा ग्रेवी बनाइए, रोटी के साथ मुझे खाना है इसलिए मैं थोड़ा ही सा ग्रेवी इसमें लगाऊंगी। और गैस का फ्लेम ना इसी समय हम यहाँ पे बंद कर देंगे, चिकन हमारा ना अच्छे से बन चुका है। मैं इसे तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। और यहाँ पे ना गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, जिससे ना इस रेसिपी का इस चिकन का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी बनता है और देखने में भी बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। और इसे हम ढक कर छोड़ देंगे, और देखिए चिकन हमारा यहाँ पे रेडी है, हमने इसे प्लेट में निकाला और इसे मैं रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। देख कर ही कितना अच्छा लग रहा है।